देखो अभी आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि कुर्दिश ट्राइब होती है ना, कुर्दिश ये कौन है, लड़ाकू हैं जो सीरिया में, सीरिया टर्की इन वाले जो एरिया हैं, इराक वाले एरिया में यहाँ पे फैले हुए है ना। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे टर्की वाला एरिया, ठीक है ना, ये सीरिया वाला एरिया, ठीक है ना, ये इराक वाला एरिया, ठीक है ना, मान लेते हैं भाई इसको, ठीक है ना, ये सीरिया मान लेते हैं, सीरिया इसको मान लेते हैं इराक, और इसको मान लेते हैं टर्की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ रीजन है, यहाँ पर वो कौन फैले हुए हैं, यहाँ पर फैले हुए हैं कुर्दिश ट्राइब, ठीक, कुर्दिश ट्राइब। ये चाहते हैं कि हमारा सेपरेट क्या हो, एक होमलैंड हो, है ना, हम एक सेपरेट कंट्री बनाए, सेपरेट एग्जिस्टेंट। ये जो कुर्दिश ट्राइब है, इनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। इसके आधार पर इनकी कॉमन एथनिसिटी है, ठीक है ना, कॉमन एथनिसिटी। क्या ये इंडिपेंडेंटली अभी हैं, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मांग कर रहे हैं कि हम क्या हो, एक सेपरेट होकर के कुर्दिस्तान बनाए, है ना, कुर्दिस्तान बनाए, समझा गया, ये कुर्दिस्तान बनाए। अब देखो यहाँ पर बताओ, क्या ये कुर्दिस्तान अभी एग्जिस्टेंस में, इस पर सोवरेनिटी है क्या, सोवरेनिटी नहीं है ना, सोवरेनिटी नहीं है, बट ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है एज अ नेशन, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टेट का एग्जिस्टेंस, स्टेट तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब उसके पास सोवरेनिटी होगी, तो इसके लिए नेसेसरली कंडीशन होती है ये। वहीं पर नेशन क्या होता है, बिना सोवरेनिटी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ की अभी मैंने आपको बताया ये कुर्दिस्तान, ये जो एरिया है इनके अंदर नेशन, ये एज नेशन अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, समझा क्या, पश्तून जो है एज अ नेशन है, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, कॉमन एथनिसिटी है, ठीक है ना, तो उनको सोवरेनिटी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो नेशन का मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप वहाँ पर पावर को ऑथोराइज कर रहे हो कि नहीं, पावर को वहाँ पर यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। बस सोवरेनिटी का मतलब, नेशन का मतलब क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, काहे के आधार पर, कॉमन एथनिसिटी के आधार। वहाँ पर बताओ, यहाँ पर मान लो कि भाई टर्की है, यहाँ के लोग को बाइंड क्या चीज़ करके रख रही है, यहाँ के चीज़ों को वहाँ पे टर्की के लोगों को बाइंड करके रख रही है क्या, जिसको हम बोलते थे लॉज, लॉज एंड रेगुलेशन, है ना, ये बाइंड करके रखती है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो नेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कुर्दिश पीपल को, इनको क्या चीज़ बाइंड करके रख रही है ये एज अ नेशन, एज अ नेशन इनको क्या चीज़ बाइंड करके रखती है, ये जो ब्लू वाला मैं बता रहा हूँ, ये भी तो बाइंड है ना, तभी तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है इनके अंदर। ये है काहे से भाई, बॉन्ड के, बॉन्ड इनको, इनका जो बॉन्डिंग है वो शेयर हिस्ट्री है इनकी, है ना, इनका कल्चर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये काहे से यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड बाई उनके जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, लॉज नहीं होते वहाँ पर, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, कौन से बॉन्ड्स, ये इकोनॉमी वाला बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, जो उनका कल्चरल बॉन्ड होता है, एंड शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड हिस्ट्री, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ध्यान देना, एज अ नेशन होने के लिए आपको सोवरेनिटी जरूरी नहीं है, लेकिन एज अ स्टेट होने के लिए आपको सोवरेनिटी जरूरी होती। जब मैं नेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं किसको रिफ़र कर रहा हूँ, टेरिटरी को नहीं रिफ़र कर रहा हूँ, मैं किसको रिफ़र कर रहा हूँ, कुछ लोगों को रिफ़र कर रहा हूँ, समझ में आ, ग्रुप ऑफ पीपल को मैं रिफ़र कर रहा हूँ। लेकिन जब इसको क्या बोलते हैं, जब मैं नेशन रिफ़र कर रहा हूँ तो नेशन का मतलब मैं एक ज्योग्राफिकल रीजन को रिफ़र कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मैं ग्रुप ऑफ पीपल को रिफ़र कर रहा हूँ, मैं उसको टेरिटरी को नहीं रिफ़र कर रहा हूँ, है ना, मैं काहे को, सॉरी वहाँ पे मैंने क्या बोल दिया था, नेशन के लिए कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी को रिफ़र कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है वो, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं काहे को रिफ़र कर रहा हूँ, मैं रिफ़र कर रहा हूँ काहे को, ग्रुप ऑफ पीपल को, समझ में आ गया। लेकिन जब मैं स्टेट को रिफ़र कर रहा हूँ तो मैं किसको रिफ़र कर रहा हूँ, मैं रिफ़र कर रहा हूँ टेरिटरी को, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम मोर कंसर्न होते हैं टेरिटरी से, यहाँ पर मोर कंसर्न होते हैं हम ग्रुप ऑफ पीपल और उनकी एथनिसिटी से, समझ में आ रही बात, क्या आप इसको, इसका एग्जिस्टेंस बिना सोवरेनिटी के भी हो सकता है, उसका एग्जिस्टेंस बिना सोवरेनिटी के नहीं हो सकता, समझ में आ गया। इसकी कोई फिक्स टेरिटरी होगी, नेशन को आप बोल सकते हो कुछ फिक्स टेरिटरी है, नहीं हो सकता है, कुर्दिश कल को यहाँ पे कुर्दिश लोग रह रहे हैं, उनके अंदर भी ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाए, ठीक है ना, तो भाई वो भी नेशन हो जाएगा, भले दोनों अलग अलग हैं बट नेशन तो एक ही है ना दोनों में,
नेशन तो नेशन ही बोलेंगे ना दोनों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है एक साथ रहने की, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें टेरिटरी, इसके लिए टेरिटरी नेसेसरी कंडीशन होता है, इसके लिए नहीं होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इसकी फिक्स टेरिटरी होती है, लेकिन नेशन की फिक्स टेरिटरी नहीं होती है, समझ में आ रहा? डू नॉट हैव फिक्स्ड टेरिटरी, क्लियर है ये बात? ठीक है ना, इनमें क्या होता है, इनको हम काहे पर, इनकी इनकी पहचान काहे से होती है, ये जो नेशन की पहचान होती है कॉमन एंसेस्ट्री से, है ना, कॉमन एंसेस्ट्री, भाई हमारा कॉमन एंसेस्ट्री है, मतलब पूरा पूरे वंशज जो है पुराने ओल्ड एंसेस्ट्री है हमारी, कॉमन हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री हमारी कॉमन है ना, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी, तो वहाँ से हम नेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर है ना दोनों में डिफरेंस? चलो अब बात करें कंट्री क्या होता है, फिर कंट्री क्या है, कंट्री हम बोलते हैं एरिया ऑफ लैंड को, एरिया ऑफ लैंड, समझ में गए, एरिया ऑफ लैंड जिसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, समझ में गया, मतलब ये कुछ एरिया होते हैं, काहे का एरिया, एक लैंड का एरिया, मतलब जमीन का एक टुकड़ा जिसको क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, समझ में गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफर कर देते हैं एज अ टेरिटरी, ठीक है ना। अभी ये जो लैंड है, मतलब इस ये भी काहे से कंसर्न है, ये भी कंसर्न है काहे से, टेरिटरी से, लेकिन यहाँ पे ये जो टेरिटरी की बात कर रहे हैं वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी हो सकती है, पॉलिटिकल टेरिटरी भी हो सकती है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी, और ये एक तरीके का कॉन्क्रीट कंसेप्ट होता है, कॉन्क्रीट कंसेप्ट होता है। वहीं पर अगर जो मैं बात करता हूँ, जब नेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो कॉन्क्रीट कंसेप्ट नहीं, वो एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल अंडर वन स्टेट, यहाँ पे बहुत तरीके के लोग एक ही स्टेट के अंदर रहते हैं कंट्री में, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के ये जो कंट्री है, ये काफ़ी कुछ कहाँ कहाँ की तरफ शो कर रही है आपको, स्टेट की तरफ, लेकिन स्टेट क्या होता है, एक तरीके का हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बोल देते हैं, कंट्री एक तरीके का ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में ज़्यादा हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, बट ज़्यादा जब कंट्री की बात करते हैं तो भाई वो ज़्यादा कल्चरल और ज्योग्राफिकल एंगल से हम इसको डील करते हैं, समझ में आएगा। तो कंट्री और स्टेट और कंट्री और नेशन में ये फ़र्क होता है, ठीक है। सोसाइटी समझ लिया हम लोगों ने, स्टेट समझ लिया, कंट्री समझ ली, कंट्री मतलब एरिया ऑफ लैंड जो कि कंट्रोल किया जाता है किसी गवर्नमेंट, मतलब ये भी काहे से ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये भी टेरिटरी ओरिएंटेड होता है ना, एक तरीके का कंक्रीट कंसेप्ट होता है, कंक्रीट मतलब होता है ज़्यादा जो बदलता नहीं है, समझ में आएगा ना, मतलब लार्जली वो सेम ही रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेशन में क्या होता है, नेशन में क्या बोला था मैंने, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल बोलोगे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल बोलते हैं, नेशन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल होंगे, है ना, सिमिलर पीपल्स होते हैं, वहीं पर ये कहाँ पे होगा, नेशन में होगा। और वहीं पर अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट बोलो, कंट्री, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल होते हैं, ठीक है ना, स्टेट का, स्टेट में बहुत, मतलब एक स्टेट के अंदर में क्या होगा, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तब हम उसको कंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जब, मतलब ऐसे समझ लो आप, जब आप चार टर्म में बात करते हो, चार टर्म में बात करते हो, जो मैंने बता दिया, सोवरेनिटी है, ये है, वो है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, तो हम उसको स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, लेकिन जब हम उसको नॉर्मल रिफर कर देते हैं तो उसको हम एज अ कंट्री रिफर करते हैं, समझा क्या, क्लियर है? ठीक है, तो हमने स्टेट समझ लिया, नेशन समझ लिया, और हमने कंट्री समझ ली और सोसाइटी समझ ली, ठीक है, ये दो चीज़ हमने देख ली। अब एक चीज़ समझते हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ
कि भाई ये नेशन स्टेट क्या होता है और स्टेट नेशन क्या होता है, ये समझो। नेशन स्टेट और एक तरफ है स्टेट नेशन, इसका मतलब क्या है समझ में आता है? नेशन खुद में ही स्टेट, मतलब नेशन इट्सेल्फ इज अ स्टेट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई कुर्दिश लोग हैं, लेकिन क्या कुर्दिश अभी नेशन है कि स्टेट है? क्या है अभी? वो स्टेट तो नहीं है वो, क्योंकि सोवरेनिटी नहीं है, है ना, और उनमें स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी नहीं है उसमें रूल करने के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट होती है, उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, तो वो सिर्फ क्या है? नेशन है, है ना, स्टेट नहीं है वो, तो वो सिर्फ नेशन है, वो स्टेट नहीं है। वहीं पर कुर्दिस्तान वाले की बात कर ली, अब देखो अफगानिस्तान वाले एरिया में जो मैंने आपको बताया था पश्तून ट्राइब्स जो है, पश्तून भी क्या है? एक तरीके के नेशन का कंसेप्ट है, बट वो क्या नहीं है? अभी स्टेट नहीं बनी है, तो वो नेशन नहीं है। फिर ये नेशन स्टेट क्या होता है? कुछ ऐसा एरिया बताओ, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, मतलब एथनिसिटी सेम हो, एथनिसिटी सेम हो, मतलब वो क्या हो गई? वो नेशन हो गई, है ना, और उन्होंने आपस में एक स्टेट भी बना लिया हो, है ना, और उन्होंने वो क्या है? स्टेट भी बना लिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लो आप जापान का, आईएसआईएस क्या है? उसने उसको हम ना नेशन नहीं बोल सकते, वो नेशन बनाने का कोशिश कर रहा है और वो स्टेट भी बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अंदर से नहीं है ना सब में, वो तो एनफोर्स करा रहा है, तो उसको हम नहीं बोल सकते आईएसआईएस। कुर्दिश जो लोग हैं, कुर्दिश लोग भी मिलिशियाज ही हैं, वो भी लड़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में भी चाहते हैं कि हम सब एक अलग से एक राष्ट्र बना ले। लेकिन अगर कल को कुर्दिस्तान बन जाता है, है ना, कुर्दिस्तान अगर एक अपना सेपरेट होमलैंड बनाएगा, तब उसको बोल दोगे आप नेशन तो है ही, अब वो स्टेट भी बना लिया, तो फिर वो नेशन स्टेट बन जाएगा। वहीं पर अगर कल को पश्तून ट्राइब इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं और आपस में ही एक बना लें, उसको बोल देंगे हम नेशन स्टेट। यही चीज़ इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बोली जाती है, जो आपने पढ़ा हुआ ग्रेटर नागालैंड पढ़ा है कभी? ग्रेटर नागालैंड जो नागा पीपल्स हैं, उनके अंदर एक कॉमन बिलोंगिंगनेस है, वो चाहते उनके अंदर अभी एक नेशनलिज्म है, नेशन है, वो एज अ नेशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो चाहते कि हमारा एक सेपरेट कंट्री हो जाए, हमारा एक सेपरेट होमलैंड हो जाए। तो अगर वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, तब हम उनको क्या बोल देंगे कि वो क्या हो जाएंगे? नेशन स्टेट हो जाएंगे। स्टेट नेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो क्या हो जाएंगे? नेशन स्टेट में बदलेगा, तो नेशन स्टेट है। जैसे जापान में क्या बोल रहे हैं हम उसको? जापान में सेंस ऑफ कॉमन एथनिसिटी है, कॉमन कल्चर है, सब कुछ कॉमन है, और उन्होंने अपने आप को स्टेट में भी बदल लिया है, तो वो क्या हो गए हैं? वो हो गए हैं क्या? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में क्या होता है? नेशन अपने आप में ही एक स्टेट बन जाता है, तब उसको क्या बोल देते हैं हम? नेशन स्टेट। अब समझते हैं स्टेट नेशन क्या है। फिर स्टेट नेशन का मतलब होता है एक बड़ा सा कंट्री, ये है वन बिग स्टेट जिसके अंदर मल्टीपल नेशन होते हैं। समझा क्या? ये कौन है? ये नेशन है, ठीक है ना, ये क्या है? ये भी नेशन है, ठीक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी नागा पीपल की, है ना, बोडो पीपल्स की, सबको अलग देश रहने की बात समझ में आ रही है, उनके अंदर कॉमन एथनिसिटी है, अपने आप को वो अलग करने की बात करते हैं, समझा क्या? तो भाई ऐसे करके इंडिया में बहुत सारे रीजन हैं अलग अलग, सब में नेशन तो हम बोल देंगे कि भाई मल्टीपल नेशन है हमारे, ठीक है ना। तो इंडिया को क्या बोलोगे आप? स्टेट नेशन बोलोगे, नेशन स्टेट बोलोगे? एग्जाम्पल इसका इंडिया मतलब इसमें बोल सकते हैं ना, ये अमलगमेशन ऑफ मल्टीपल नेशन है, ये समेशन ऑफ मल्टीपल नेशन। समझ में आ रहा है? इतना चीज समझ में आ गया आपको? देखो ये नेशन है, ये स्टेट है, ये डायग्राम देखो, यहां से हम दो चीज निकाल रहे हैं, एक होता है स्टेट नेशन, एक होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? नेशन। देखो कई चीज ऐसा, कई ऐसे स्टेट भी हो सकते हैं जिनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं हो, वो सिर्फ स्टेट हो सकता है, उसके अंदर नेशन हम उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है ना।
जैसे जब आप फोर्सफुली कहीं पर आक्रमण करके कंट्रोल कर लिए, तो फिर वहां पर आप स्टेट तो हो, है ना, बट क्या नहीं हुआ वहां पर, एज अ नेशन नहीं होगा, उसको हम एज अ नेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, स्टेट नेशन, इसका एग्जांपल क्या है, ये आपको बता दिया, स्टेट ही आपस में, जो नेशन है वो खुद में ही क्या है, नेशन खुद में ही स्टेट है। मतलब ये देखो, ये एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल जो कि नेशन का है, ठीक है ना, इसी के ऊपर मैं दूसरा सर्कल बना दूँ, ठीक है ना, काहे का, रेड वाला, तो वो क्या है, स्टेट हो गया, मतलब नेशन ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया काहे में, स्टेट में, तो वो काहे का एग्जांपल हो गया, इसका हो गया। यहाँ पर देखो, ये बड़ा सा स्टेट है, ये मल्टीपल नेशंस हैं, ये स्टेट है और ये नेशंस हैं, है ना, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, नेशन बड़ा हो सकता है कि स्टेट बड़ा हो सकता है, ये बताओ, बोलो जल्दी, नहीं कुछ भी नहीं बोला जा सकता, अभी बताया ना, स्टेट क्या हो सकता है, स्टेट बन सकता है मल्टीपल समेशन ऑफ नेशन से, वहीं पर मैंने आपको क्या बताया, एक नेशन है, नेशन क्या हो सकता है, बन सकता है समेशन ऑफ स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से मिलकर के भी एक नेशन बन सकता है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा, कई बार रिफर कर देते हैं अरब नेशन, अरब नेशन, समझ रहे हो, अरब नेशन में जो मुस्लिम वर्ल्ड होती है, अरब नेशन, वो अपने आप को उन एक नेशन बोलती हैं, समझना कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कल्चर को लेकर के और अपने रिलीजियस को लेकर के सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, तो अरब नेशन बोल दिया जाता है, मतलब सोचो कितने सारे कंट्रीज आ गए अरब नेशन, है ना, बहुत सारी कंट्रीज आ गई, ठीक है ना, तो भाई ऐसे में हम कुछ बोल नहीं सकते कि साइज में बड़ा कौन सा होता है, ये सऊदी हो गया, है ना, ये आपका मान लो कि UAE हो गया, कतर हो गया, ठीक है ना, फिर आपका बहरेन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ये अरब नेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो अरब एक पूरा नेशन है, ठीक है ना, अरब नेशन बोल देते हैं, तो फिर वो एक तरीके के क्या है, उनके अंदर भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम देख रहे हैं, कल्चर को लेकर के, रिलीजियस को लेकर के, तो ऐसे में हम बोल नहीं सकते कि भाई इनमें से बड़ा कंसेप्ट कौन सा होता है, बोलो क्लियर है, स्टेट नेशन, और ये समझ में आ गया आपको, स्टेट नेशन और नेशन स्टेट में क्या फर्क होता है, ठीक। अब एक चीज समझो, इंडिया को बोला जाता है, इंडिया क्या है, इंडिया इज, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम में, प्रीलिम बोलो मेंस में, ठीक है ना, इंडिया इज नेशन इन मेकिंग, ये बोला जाता है इंडिया को, इंडिया क्या है, नेशन बन रहा है, अभी बना नहीं है, समझ रहे हो, इसका मतलब सबके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना, तो इसीलिए बोला जा रहा है, अभी क्या है, नेशन इन मेकिंग है, नेशन अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है, मतलब ये बनने की स्टेज में है, आप कभी भी इंडिया को नेशन स्टेट नहीं बोलते हैं, समझा गया ना, इंडिया को आप नेशन स्टेट नहीं बोलते हो, इंडिया नेशन स्टेट है क्या, नेशन स्टेट मतलब नेशन ही अपने आप में स्टेट हो जाए, ऐसा है क्या, नहीं है, समझा गया, अभी तो हमारे यहाँ अलग अलग सब में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अलग अलग है, समझा रहा है भाई, हर कोई को अलग ही देश में रहने का चस्का रहता है, इंडिया में बोलता है कि भाई हमको सेपरेट होमलैंड चाहिए, तो अभी क्या बोल रहे हैं, हमारा देश बन रहा है, नेशन बनने की प्रोग्रेस में है, नेशन का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको बता दिया, नेशन है, नेशन मतलब जहाँ पे बिलोंगिंगनेस रहे, लेकिन अभी बिलोंगिंगनेस नहीं है, तो सबको अभी क्या तैयार किया जा रहा है, ताकि सब में क्या हो, बिलोंगिंगनेस हो, ठीक है ना, प्लूरलिस्ट सोसाइटी है इंडिया, इसीलिए बहुत डाइवर्सिटी है, इसीलिए अब ये नेशन कहाँ पर होता है, क्या, हाँ, इसीलिए ना, तो ऐसे ही बोल देते हैं कि इंडिया नेशन इन मेकिंग है, वही मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो अगर होमोजेनिटी होती है, ये कहाँ पे, होमोजेनिटी का मतलब समझते हो, जहाँ पर सेम चीज हो हर कुछ, डाइवर्सिटी ना हो, है ना भाई, सोसाइटी में जितने लोग रहे हो सेम हो वो सब, जैसे यूरोप में होता है ना, यूरोप में जर्मन्स हैं तो भाई जर्मन्स का आपस में सेम ही कल्चर होगा, है ना, फ्रेंच है तो फ्रेंच का लैंग्वेज होगी, और फ्रेंच लैंग्वेज के आधार पर वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, समझा ना, तो भाई जैसे एक यूरोप है, यूरोप इतना बड़ा है भाई, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर, पुर्तगाली अलग है, स्पेनिश अलग है ना, फ्रेंच अलग है, जर्मन अलग है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिक अलग है, ठीक है, नॉर्डिक अलग है, दुनिया भर की लैंग्वेज है वहाँ पर, उसके आधार पर अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर नेशन बन गया है वहाँ पर, समझ में आया, वहाँ पर लैंग्वेज था, लैंग्वेज ने क्या किया,
ये जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज बाइंडिंग फोर्स था उनके लिए, है ना। इस लैंग्वेज के आधार पर उनकी एथनिसिटी डिसाइड होती थी, है ना। उनकी एथनिसिटी काहे के आधार पर थी, लैंग्वेज के आधार पर सब कुछ। तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग एक नेशन ही बना लिया और अपने आप को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, समझा गया। जर्मन जर्मनी जर्मन लैंग्वेज थी फॉर जर्मन्स, फ्रेंच फॉर फ्रांस, समझा गया, स्पेनिश फॉर स्पेन। तो ऐसे करके ये पूरे नेशन स्टेट बन गए वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, होमोजेनिटी है, नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हेट्रोजेनिटी है ना, हेट्रोजेनिटी। और जहाँ पर होमोजेनिटी होता है वहाँ पर नेशन स्टेट बनाना बहुत आसान होता है, वहाँ पर आप बना सकते हो, क्योंकि आपका कॉमन बाइंडिंग फोर्स होता है, आप उसका एज अ टूल यूज़ कर सकते हो और अपने आप को एक स्टेट डिक्लेयर कर सकते हो और बना सकते हो। बट इंडिया में भाई हर जगह अलग है, लैंग्वेज को देखो आप, कम से कम नहीं तो भाई 2000 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है ना, इतनी सारी लैंग्वेज है। अगर हम उसके आधार पर देखें तो हमारे यहाँ कितने नेशन बनने चाहिए, तो उनके यहाँ जो नेशन बन रहे हैं वो कैसे हैं, वो लैंग्वेज के आधार पर है। हमारे यहाँ लैंग्वेज के आधार पर अगर बनने लगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन लैंग्वेज के आधार पर वो उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो है, नेशन तो है इंडिया में, बट ये नेशन एक कॉमन नेशन नहीं बना है अभी, समझ में, जहाँ पर सब में कॉमन बिलोंगिंगनेस हो। इसीलिए तो हिंदी को बोला जा रहा है कि सब में हिंदी एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर सकती है, जो सबको क्या कर दे, बाइंड करके एक नेशन को बना दे, समझ गया। बट इंडिया, आपको भी पता है कि इंडिया में अभी बैकवर्डनेस इतनी है, इलिटरेसी इतनी है, मल्टी एथनिसिटी है, मल्टी प्लूरलिज्म सोसाइटी है, जहाँ पर इंडिया में अभी नेशन को बनने अभी बन नहीं पाया है, समझ गया ना। तो इंडिया में जो नेशन की बात करते हैं हम, वो नहीं है। यूरोपियंस में नेशन का कंसेप्ट अलग चलता है, हमारे यहाँ अलग चलता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ नेशन इन मेकिंग है, उनके यहाँ नेशन बन चुके हैं, उनके यहाँ बन चुके हैं, स्टेट नेशन हो गए, स्टेट नेशन बोलो, नेशन स्टेट है वो, और हम क्या है अभी, स्टेट नेशन है। हमारे यहाँ एक स्टेट के अंदर मल्टीपल नेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न में जो स्टेट है, नेशन है कि नेशन स्टेट है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया में स्टेट नेशन है कि नेशन स्टेट है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ये सारे कंसेप्ट, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, बड़ा कन्फ्यूज़न है ये, बार बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाद में बोलोगे कि ये क्या है वो क्या है, ढूंढते रह जाओगे, समझ भी नहीं पाओगे क्या लिखा है, ठीक है, समझ आएगा ना। तो इंडिया को क्यों नेशन इन मेकिंग बोला जाता है, जैसे उसने बोला कि मल्टीपल नेशन है, मल्टीपल एथनिसिटी है, तो इंडिया तो कभी नेशन बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ ऐसा बोल देते हैं, अच्छा लगे बोलने में, कि इंडिया नेशन इन मेकिंग है, ये नहीं बोलते हम कि कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो है बनाना ना, कि इंडिया को एज अ नेशन बनाना है। लेकिन अगर आप बोल दोगे कि कभी बन ही नहीं पाएगा, तो फिर कोई प्रयास ही नहीं रहेंगे, जब कोई प्रयास नहीं रहेगा तो फिर तो डिमांड होती रहेगी सेपरेट होमलैंड के लिए, जो कि नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता है। समझ में आ गया, बोलो भाई। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया, इंडिया मल्टीपल नेशन का क्या है, अमलगमेशन। वैसे इंडिया की जो सोसाइटी है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना क्या बोल रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी, वो भी क्या है, वो भी इक्वल्स टू अमलगमेशन ऑफ मल्टीपल सोसाइटी है। समझ में आ गया ना, ये भी क्या है, अमलगमेशन, मतलब समेशन, मतलब सम ऑफ मल्टीपल सोसाइटी, मल्टीपल सोसाइटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं हमारा कॉमन कल्चर नहीं है, वी डू नॉट हैव कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर है क्या, जब कॉमन कल्चर नहीं है इसीलिए तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ पा रही है और नेशन नहीं बन पा रहा, समझ रहे हो। यही चीज अगर मैं फ्रांस की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, है ना, स्पेन की बात करूं, पुर्तगीज की बात करूं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ये है कि भाई इनका क्या है, मल्टीपल सोसाइटी नहीं है इनकी, इनके अंदर क्या है, एक सोसाइटी है, मतलब होमोजीनियस सोसाइटी है, होमोजीनियस सोसाइटी है, होमोजीनियस सोसाइटी के अंदर क्या है, इनके अंदर कॉमन कल्चर हो जाता है ना, कॉमन कल्चर हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन कल्चर हो जाता, तो इनके अंदर नेशन जल्दी से बन जाएगा, इनके यहाँ नेशन को बनने में, डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा, नेशन बन जाता है,
तभी तो यहाँ पर जितने स्टेट हैं देखो इतने सारे स्टेट आपको दिख गए, समझ आ गया? मतलब पहले यूरोप क्या था, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी था, यूरोप जो था एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी था, लेकिन जैसे जैसे ये इनमें नेशन बिल्डिंग होने लगा, जब नेशनलिज्म आने लगा, तो भाई अपनी लैंग्वेज के आधार पर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी दूसरों से डिफरेंट कर ली और बोलने लगे कि आपका एग्जिस्टेंस अलग है, हमारा एग्जिस्टेंस अलग है, आप अलग रहो हम अलग रहेंगे, आप अलग कंट्री बनाओ हम अलग कंट्री बनाएंगे, और वहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल सोसाइटी बन गई, ये यूरोप बट गया, काहे में बट गया, ये आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में लैंग्वेज के आधार पर, समझ गया? क्योंकि ये एक होमोजीनियस सोसाइटी में बांट ली है अपन लोग, इन्होंने एक होमोजीनियस सोसाइटी ये है, दूसरी होमोजीनियस सोसाइटी ये है, तीसरी होमोजीनियस सोसाइटी ये है, चौथी होमोजीनियस सोसाइटी ये है, पांचवी होमोजीनियस सोसाइटी ये है, छठवीं होमोजीनियस सोसाइटी ये है ना, तो भाई उन्होंने अपने अपनी सोसाइटी को आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि उनका कॉमन कल्चर मिलने लगा अब उनका, तो बोले कि अब भाई एक साथ क्यों एग्जिस्ट करें, हम अलग अलग क्यों ना एग्जिस्ट करें, तो भाई यहाँ से बन गया जर्मनी, यहाँ से बन गया फ्रांस, यहाँ से बन गया आपका स्पेन, यहाँ से बन गया आपका पुर्तगाल, यहाँ से बन गया यूके, समझ गया? सबसे पहले जो कंट्री बनी थी वो यूके थी, ठीक है, एज अ नेशन, जो नेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है ना, वो पहला कौन सा कंट्री बना था, वो यूके था, फिर फ्रांस बना, ठीक है ना, ऐसे करके ये बनने लगे, ठीक है ना, स्पेन पुर्तगाल ये सब, ठीक है। लेकिन इंडिया में मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया की जो सोसाइटी है वो मल्टीपल सोसाइटी है भाई, जैसे यूरोप पहले ये मैंने अलग अलग कलर से बनाया है ना, ये जो अलग अलग कलर से बनाया ये आज का यूरोप है, पहले ये लोग अलग जरूर थे, बट एक ही ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री बोल रहे थे इसी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे थे और इनको एज अ यूरोप ही समझा जाता था, समझ आ रहा है? लेकिन क्या हुआ कि भाई ये समय के साथ साथ इन्होंने आइडेंटिफाई करके सेपरेट नेशन स्टेट बना लिया, लेकिन इंडिया में क्या है अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है। ऐसा बोला जा रहा था कि भाई बाल्कनाइजेशन हो जाएगा एक समय बाद, मतलब इंडिया टूट जाएगा ये मल्टीपल नेशन और उनमें स्टेट में, बट वो तो इंडिया ने इतना स्ट्रांग बॉन्ड है इंडिया की सोसाइटी में कि वो इन चीज़ों को होने नहीं दे रहा, देखेंगे उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। इंडिया क्या है, अमलगमेशन है मल्टीपल सोसाइटी का, यहाँ पर कॉमन कल्चर नहीं है, समझ में क्या? फिर कैसा कल्चर है यहाँ पर, यहाँ पर है वी हैव कंपोजिट कल्चर हमारे अंदर कैसा है, कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना। आप एक चीज समझो, आप एक टर्म है जिसको मैं बोल रहा हूं कल्चरल प्लूरलिज्म और एक है आपका जिसको हम बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, है ना, मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, मतलब क्या है, देखो अब कल्चरल प्लूरलिज्म और मल्टी कल्चरलिज्म में क्या फ़र्क होता है ये समझो, ये दो टर्म है, कल्चर से रिलेटेड है और इंडिया की सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है। अब समझते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये एक सोसाइटी है, मान लो ये एक सोसाइटी है, इसमें अलग अलग तरीके के कल्चर एग्जिस्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो, ये समझते हैं हम, ये क्या है, ये सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, ये एक सोसाइटी है जिसमें अलग अलग तरीके के कल्चर क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एक दूसरे से हार्मनी वगैरह में है कि नहीं है इससे कुछ लेना देना नहीं, बट एग्जिस्ट कर रहे हैं बस, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कल्चरल प्लूरलिज्म। मतलब देखो कल्चर कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवाद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, ये काहे से कंसर्न होते हैं, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल कल्चर तो है बट वो कैसे होते हैं, बस एग्जिस्ट करते हैं, आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन दी सोसाइटी, क्लियर है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं मल्टीकल्चरलिज्म, तो मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म में ये है एक सोसाइटी, है ना, ये सोसाइटी है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी जो कल्चर है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, स्टार हो गया, सर्कल हो गया, ये एग्जिस्ट भी कर रही है और
एक दूसरे से हार्मनी में रह करके भी रहती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है यहाँ पे, समझा, एक दूसरे की हेल्प करती है, एक दूसरे के साथ इनका एग्जिस्टेंस हार्मनी में होता है, तब हम उसको बोलेंगे मल्टीकल्चरलिज्म, समझा क्या। ये सिर्फ प्लूरलिज्म है, सिर्फ यहाँ पर बहुत सारी एग्जिस्टेंस होती है, समझा क्या, और सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, एक दूसरे से ज़्यादा मिलजुल करके नहीं रह रही है, बस रह रही है फॉर द सेक ऑफ लिविंग, है ना, बस एग्जिस्ट करने के लिए ही वो एग्जिस्ट कर रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर ये मल्टीपल कल्चर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कल्चर एग्जिस्ट तो करते हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट भी करते हैं और एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन भी होता है, क्लोज एसोसिएशन, जैसे इंडिया होली है, होली एक हिंदुइज्म का कल्चर है लेकिन होली में मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, समझा क्या ना। तो भाई ये इंडिया का एक बोल सकते हो आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। जब आपने देखा होगा कि भाई कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं दोनों मिलकर के मना लेते हैं, समझा क्या, तो ये क्या है, ये मल्टीपल मल्टीकल्चरलिज्म का एग्जाम्पल होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है ना, हारमनी में रहते हैं, इन हारमनी, हारमनी मतलब क्या है, यहाँ पर पीसफुल एग्जिस्टेंस होता है सारी सोसाइटी का, पीसफुल एग्जिस्टेंस। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कम्युनल टेंशन बढ़ सकते हैं बट यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कम्युनल टेंशन नहीं बढ़ता क्योंकि सब कैसे रहते हैं, पीसफुल एग्जिस्टेंस में रहते हैं, समझ में आ गया ना। यहाँ पर टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टॉलरेंस लेवल कम होगा, अगर टॉलरेंस लेवल कम होता तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, बट इनमें क्या होता है ना कि एक दूसरे में हार्मनी नहीं देखने को मिलती, बस समझा क्या, बस एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं होता इसमें, एक दूसरे के साथ वो नहीं होता, पीसफुल एग्जिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पर इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर इंस्टेबिलिटी के चांसेस नहीं रहते क्योंकि दोनों मिलजुल कर का काम करते हैं, पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, समझा क्या। और इंडिया में क्या है, इंडिया में यही है मल्टीकल्चरलिज्म, समझा क्या ना, इंडिया में ये है मल्टीकल्चरलिज्म, ये इंडिया में फोर्स होता है मल्टीकल्चरलिज्म, क्लियर है। तो कल्चरल प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे बोला जाता है देयर इज अ टॉलरेंस ऑफ डिसेंट, यहाँ पर दूसरों की वॉइस को सुनने में टॉलरेशन होता है, ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं कर पा रहा और तो आप उसके खिलाफ कुछ भी मतलब वो करने लगो, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में अभी क्या बोला कि भाई पाकिस्तान में अभी एक कृष्णा टेंपल बन रही है जो इस्कॉन वाले की, तो वहाँ के लोग क्या बोलने लगे, देखो वहाँ पर कल्चर तो हिंदुइज़्म का भी है बट एग्जिस्ट तो हो रहा है वहाँ पर हारमनी में नहीं है ना, फुल एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मंदिर बनेगी तो फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तोड़ देंगे, हम मंदिर हम बम डाल देंगे, हम ये इशू कर देंगे, कम्युनल वायलेंस हो जाएगा दुनिया भर की पंचायत, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर भी तो देखो एग्जिस्टेंस है बट पीसफुली एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर वर्ड हो जाता है जस्ट एग्जिस्टेंस, यहाँ पर पीसफुल एग्जिस्टेंस, समझ आ रहा ना। तो भाई ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, कल्चरल प्लूरलिज्म कहीं भी हो सकता है बट मेन होना चाहिए क्या, मल्टीकल्चरलिज्म, जैसे पीसफुल यूएस में भी मल्टीकल्चरलिज्म, समझा कि हर एक कल्चर वहाँ पर एग्जिस्ट होता है, बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट होते हैं और एक दूसरे से पीसफुल तरीके से रहते हैं, एक दूसरे से पीसफुल तरीके से को एग्जिस्ट करते हैं, समझा क्या। तो इंडिया यूएस क्या है ये, अब इसमें आगे भी बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं, एक वो सैलेड का कंसेप्ट होता है और एक होता है आपका ओपन बॉल का कंसेप्ट होता है, ये सब हम देखेंगे जब आगे देखेंगे, ठीक है ना, सैलेड बॉल का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, फिर मेल्टिंग पॉट का कंसेप्ट होता है, ये जो मेल्टिंग पॉट क्या है, सैलेड बॉल कंसेप्ट क्या है, अभी आएंगे आपस में तो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि हाँ भाई ऐसे कुछ टर्म आएंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है।